नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 2024 से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्ष में मचा घमासान। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और राहुल गांधी में पड़ी फूट। जहां पीएम का सपना देख रहे राहुल गांधी को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि विपक्षी दलों को नहीं पसंद आ रहा राहुल गांधी का नेतृत्व। जी हाँ, एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के सपने को साकार करने के लिए अलग अलग विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। जी हां, कभी टीएमसी तो कभी बसपा तो कभी आम आदमी पार्टी के नेता राहुल गांधी के लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें बार बार आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसकी ताजा बानगी एक बार फिर से आज सामने आई है, जिसमें अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से कड़े तेवर दिखाते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में किसान संसद में जाने से इनकार कर दिया था। जी हां, दरअसल कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंचा था, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने को लेकर इसमें शामिल होने का मन बनाया था। लेकिन जब आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेताओं को जानकारी मिली कि इस कार्यक्रम को लीड राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी के नेताओं ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। जी हां, जिसको लेकर इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने बयान दिया और ये कहा है कि आप राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में किसानों का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी, लेकिन अगर विपक्ष के विरोध का नेतृत्व राहुल गांधी जैसे पार्टी के नेता कर रहे होंगे तो हम क्यों जाएंगे, वो किसानों के मुद्दों को उठाने में सफल नहीं रहे हैं। जिसकी वानगी ये रही कि विपक्ष के इस कार्यक्रम में, विपक्ष के इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, मायावती की बीएसपी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। जी हां, विपक्षी दलों के हालांकि इस प्रदर्शन में कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वाम दलों के नेता हालांकि इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी की लीडरशिप को नजरअंदाज किया हो। इसके पहले भी कई बार विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी को यह संकेत दे चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हाल ही में जब राहुल गांधी ने सदन में सरकार को कथित पेगासस विवाद मामले में घेरने के लिए भी विपक्षी नेताओं के लिए नाश्ता पार्टी का आयोजन किया था, उसमें भी अलग अलग दलों के नेता जरूर शामिल हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और बसपा ने इससे दूरी बनाई थी। जी हां, और अब आम आदमी पार्टी और टीएमसी के लिए राहुल को झटके ने यह साफ कर दिया है कि जिस विपक्ष को राहुल गांधी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एकजुट करने का सपना देख रहे थे, वो मोर्चा बनाने से पहले ही अब टूट चुका है। जी हाँ, हालांकि इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि अलग अलग पार्टी के दल खुद के नेताओं को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं और 2024 में मोदी के चेहरे को चुनौती देने के लिए सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश हालांकि की जा रही है, लेकिन सारे हथकंडे विफल साबित होने वाले हैं, क्योंकि विपक्षी दलों से कई चेहरे प्रधानमंत्री बनने को लेकर दावेदारी अपनी जता चुके हैं। जी हाँ, फिर इसी कड़ी में चाहे नाम सियासी दिग्गज शरद पवार का हो, या फिर बंगाल को बर्बाद करने वाली ममता बनर्जी का हो, या फिर दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल का हो, या फिर इसके अलावा अब तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में बंटवारा कराने वाली कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का हो, ये तमाम नेता 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि एक बार फिर से ये विपक्षी दल जो एकजुट होने का नाटक करने का जो षड्यंत्र कर रहे थे, इसकी बांगी बार बार सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम अलग अलग विपक्षी दल के नेता 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, किसी भी हद तक ये लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो मात्र एक लोकसभा सांसद आम आदमी पार्टी का है और वो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वहीं अगर हम टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो जो ममता बनर्जी 2019
2019 में जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी और इस लोकसभा चुनाव में उन्हें 10 सीटें निकालना तक मुश्किल हो जाएगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी भी अभी हाल ही में दिल्ली में दर दर भटकती हुई दिखाई पड़ी थी, कभी राहुल गांधी से तो कभी सोनिया गांधी से मुलाकात कर 2024 को लेकर रणनीति बनाने का काम ममता बनर्जी हालांकि कर रही थी, लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी को भी खाली हाथ दिल्ली से बंगाल लौटना पड़ा था हम सब ने देखा था। क्योंकि ममता बनर्जी ने हालांकि पहले ही अपने संबोधन में ये इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि विपक्षों को एकजुट होना है और शरद पवार से मैं मुलाकात करना चाहती हूं, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से शरद पवार ने ममता बनर्जी को मुलाकात का समय नहीं दिया था, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फोन पर ही बातचीत हुई थी, ये तमाम कयास साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं कि अब जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी नेता तीसरा मोर्चा बनाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से टूट चुका है। जो अलग अलग दल के नेता मिलकर 2024 में मोदी के चेहरे को चुनौती देने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है, क्योंकि जो गुणागणित इन तमाम नेताओं का सामने आया है वो पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार अब अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग प्रदर्शन में इन तमाम विपक्षी नेताओं के दल के नेता अलग अलग मुखर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कभी ममता बनर्जी से कोई मुलाकात नहीं कर रहा है तो कभी राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद साफ तौर पर यह मानना लाजमी है कि तमाम अलग अलग विपक्षी दल के नेता भले ही लाख कोशिश कर ले जनता को बेवकूफ बनाने की, लेकिन 2024 में एक बार फिर से भारी प्रचंड बहुमत के साथ 2014 और 2019 की ही तरह मोदी की सरकार में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और दरअसल यही खलबली विपक्षी नेताओं में मची हुई है, जिसको लेकर एक के बाद एक तमाम नए हथकंडे बनाने का प्रयास बनाने की कोशिश इन विपक्षी नेताओं की ओर से की जा रही है। बताते चलें कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं उनसे बार बार बड़े बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं और 2024 को लेकर रणनीति बनाने का काम भले ही कर रहे हो, लेकिन जब तक इन तमाम विपक्षी नेताओं में एकजुटता नहीं आएगी मोदी को चुनौती देना तो आप छोड़िए, ये एक सीट को भी हिला नहीं पाएंगे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जिसका खामियाजा एक बार फिर से 2024 में इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है, जिस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व को सराहते हुए जो एक के बाद एक जो आंधी बीजेपी के हर राज्य में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, दरअसल ये बड़ी वजह है कि लगातार इन विपक्षी नेताओं की जमीन खिसकने में लगी हुई है। और इसीलिए अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा की रेस को लेकर लगातार इन विपक्षों में आपसी फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि राहुल गांधी भी कई बार विपक्षी नेताओं से दलीलें कर चुके हैं कि अब हमको एकजुट होना होगा, क्योंकि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है तो तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन अब जिस तरीके से जो माली हालत विपक्षी नेताओं की बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर चटकारे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक विपक्षी नेताओं में फूट की तस्वीरें बार बार सामने आई है, इसको लेकर लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो लगातार गुणा भाग करने की कोशिश तमाम विपक्षी नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बार बार नाश्ते पर राहुल के बुलावे पर भी टीएमसी कभी आ रही है कभी आम आदमी पार्टी के नेता नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये सियासी गुणागणित जो था वो पूरा व्यर्थ हो गया है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार कभी आम आदमी पार्टी तो कभी तृणमूल कांग्रेस के नेता तो कभी उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी लगातार राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल ये बड़ी वजह है कि अब 2024 से पहले तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद विपक्षी नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ये पूरी तरीके से विफल हो चुका है, जिसकी बांगी कई बार हमने आपको दिखाई भी है कि कैसे अलग थलग पड़े विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से टक्कर लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए तमाम तरह की साजिशें बनाई थी, लेकिन किस तरीके से नेताओं को मुंह की खानी पड़ी थी। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि 2019 के चुनाव की अगर हम
हम बात करें तो कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिलाया था, लेकिन किस तरीके जनता ने उनको करारा जवाब दिया था ये भी हमने देखा था। और अगर वहीं पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कैसे राहुल गांधी अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश में आए थे, लेकिन उनको बार बार मुक्की खानी पड़ी थी। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से इन विपक्षी नेताओं में मतभेद की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। और हाल ये है कि अलग अलग दल के नेता 2024 में अपने अपने दल के नेताओं को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसका खामियाजा साफ तौर पर एक बार फिर से इन विपक्षी नेताओं को भुगतना पड़ेगा। और जो घमासान जो लगातार मतभेद की स्थिति जो लगातार विपक्षी नेताओं के खेमे में सामने आ रही है, इसका फायदा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलेगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले से ही देश की जनता से लेकर तमाम अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।